सप्तधान से स्नान, एक टका भी साबु से स्नान करने में फायदा नहीं होता जितना सप्तधान स्नान से फायदा होता है। गौमूत्र मिल जाए तो अच्छा है, तो गौमूत्र में सप्तधान डाल दिया, रबड़ी बन गई, उस शरीर को रगड़ दिया और स्नान कर लिया। तो सप्तधान में लिखवाता हूं, लिख लो। साबुन 150 रुपए किलो आजकल हो गया, ये स्नान करने का साबुन 150-200 रुपए किलो, और ये सप्तधान आपको 25-30 रुपए किलो पड़ेगा। और साबु में 1% भी फायदा नहीं, इससे 100% फायदा होगा। आप सब लोग पेन और कागज ढूंढो, ये कोई जरूरी नहीं, जीभ तालू में लगा दो तो आपका सेव हो जाएगा, जो सुनोगे याद रह जाएगा। अपनी जीभ तालू में लगा दो और मैं बोलूंगा, आप मन में बोल देना, सेव हो जाएगा, याद रह जाएगा। बच्चों की भी याद शक्ति ऐसे बढ़ा सकते हो, बच्चे पढ़े जीभ तालू में लगाकर फिर किताब बंद करके याद करें, एकदम पक्का हो जाएगा। उपटन लिखवाता हूं, तालू में जीभ लगा दो। गेहूं, जिसकी रोज रोटी खाते हो याद रह गया। चावल, चावल याद रह गया। जौ, जौ। तिल, तिल। मूंग, मूंग। चना, चना। उड़द, उड़द। शास्त्रों में इस सप्तधान का महिमा है, इसको संभाग लो, अथवा उड़द महंगा लगे तो थोड़ा कम करो, सबको पिसा दो। जौ 11-12 रुपए किलो, गेहूं 15 रुपए किलो, कुल मिला के 25 रुपए किलो के अंदर पड़ जाएगा, 25-26-20। उसका घोल बना के स्नान करो, उसी दिन आपको प्रसन्नता और आरोग्यता का एहसास होगा। समझ रहे हैं? गेहूं, चावल, जौ, तिल, मूंग, चना, उड़द। जिसको याद रहेगा हाथ ऊपर करो, शाबाश है। नहीं याद रहा वो हाथ ऊपर करो, जीभ तालू में लगा दो। मैं फिर से बोलता हूं तुम्हारे लिए, गेहूं, गेहूं, चावल, चावल, जौ, जौ, तिल, तिल, चना, चना, मूंग, मूंग, उड़द, उड़द। अभी जिनके लिए बोला उनको याद रह गया हो तो हाथ ऊपर करो, खाली वे लोग, ठीक है? बाकी के पड़ोसी से पूछ के पक्का कर लो, ये उपटन बनाओ। अगर मैं समिति वालों को बोलूं और वे उपटन बना के बेचे तो सेवा तो होगी, लेकिन समिति में सब जगह सेवाभावी लोग ना हो, और उसमें 40 पैसे किलो वाला पत्थर का पाउडर मिला दे तो मेरा बोलना बेकार हो जाएगा ना। अथवा तो उड़द कम डालेंगे, गेहूं ज्यादा डाल देंगे। जो बेईमान आदमी होता है जिसको सेवा का पता नहीं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। इसलिए मैं ये समिति बमिति के द्वारा उपटन बेचने को राजी नहीं हूं। जय जय। सबको बता देता हूँ, खुली किताब अपना बनाओ, अपने घर के लिए जैसा भी बनाओ, बेईमानी नहीं होगा। बेचने में बेईमानी करोगे अपने लिए काय को करोगे? नहीं तो मुल्तानी मिट्टी डाल देगा 2 रुपए किलो की, 25 रुपए किलो बिकेगा। अथवा तो मकाई का आटा डाल देगा औरत की जगह पे। हम भी जानी था कलयुग के आदमी कौन कहां जरक करी था।